Good morning, student. At the end of chapter, we will discuss about the important numericals which is based on the light. तो यहाँ हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फार्मूला, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, और उसके साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीएससी लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो इन सबको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि फार्मूला कौन कौन से यूज होंगे. ठीक है, फार्मूला यूज कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे भाई. अगर हम मिरर का केस आता है तो हमारे पास हो जाएगा दिस वन. ठीक है, इन द केस ऑफ मिरर, मिरर्स फॉर्मूला. नेक्स्ट हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो कितना हो जाएगा, माइनस वी बाय यू एच आई अपॉन में एच नोट. किसके केस में है भाई, मिरर के केस में है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला था हमारे पास ये, तो हमने क्या बोल दिया भाई, लेंस फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन में एच नोड वी बाय यू, इसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास क्या था भाई, अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इज इक्वल टू वन बाय एन डब्ल्यू. तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे. तो हम बोल सकते हैं अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3/4 इंटू रियल डेप्थ. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पावर की, 1/f इन मीटर, 100/f इंटू, इसमें 100/f किस में, सेंटीमीटर में. तो ये हमारे पास बेसिकली ये सारे फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं और उसी के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, परपेंडिकुलर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसे हम क्या कंसिडर करते थे, एच नोड. तो ये आपका कितना गिवन है, एच नोड गिवन है. इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर. ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई. कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव. विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, रियल इमेज दे रखी है, ध्यान रहे, तो रियल इमेज हमारे पास होगी एच आई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इंफॉर्मेशन को. फर्स्टली हमारे पास क्या था, एच नोड इज इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एच नोड आपका हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. उसके बाद यू हमारे पास हो गया -16 सेंटीमीटर, क्योंकि यू आपका हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है. उसके बाद एच आई रियल इमेज है और रियल इमेज में हमेशा नेगेटिव होगी, -3 सेंटीमीटर. पॉइंट क्लियर है. फाइंड क्या करना है, एफ एंड वी. फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एफ एंड वी, आपको F एंड V फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, फर्स्टली हम जब बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, H node इज इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर, U इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर और H I इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर. फाइंड F एंड V. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो गया एच आई अपॉन में एच नोड माइनस वी बाय यू. गिवन है एच नोड, एच आई, यू, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी. कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, दिस वन, क्योंकि क्या बात है, मिरर का है. तो एच आई और यहाँ से वी निकालना है, तो वी हो गया मेरे पास एच आई अपॉन में एच नोड और माइनस में यू. तो आपका वी कितना निकल कर आया भाई, V इज इक्वल टू माइनस, यू की वैल्यू क्या है, -16
एच आई की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री. एच नोड की वैल्यू कितनी है? टू. तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव. और ये कितना हो जाएगा भाई? एट. तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 24 सेंटीमीटर. वी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 24 सेंटीमीटर. नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 बाय एफ. हम निकालेंगे एफ की वैल्यू. 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू. यू आपका क्या है? नेगेटिव है. कितना है? माइनस 16. लेकिन वी भी आपका क्या है भाई? नेगेटिव है. कितना है? 24. एलसीएम ले लो. कितना आ जाएगा? 48. ठीक है. यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3, यह हो जाएगा माइनस 2. तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 48 बाई 5, माइनस 9.6 सेंटीमीटर. कंकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव. क्लियर इतना? तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो. आपको एच नोड गिवन था, आपको यू गिवन था, एच आई गिवन था. रियल इमेज बोली है तो एच आई हम क्या लेंगे भाई? नेगेटिव में लेंगे. ठीक है. उसके बाद आपको क्या बोला है? फाइंड एफ एंड वी. क्या फाइंड आउट करना है? एफ एंड वी. तो सबसे पहले मैंने वी फाइंड आउट कर लिया. वी की वैल्यू हमने यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज़ किया, वी की वैल्यू निकाली. देन मैंने मिरर फॉर्मूला का यूज़ किया और क्या निकाल दी? एफ की वैल्यू. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए. एनटीएससी लेवल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई. और डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करेंगे. चाहे बेशक आप लॉन्ग मेथड यूज़ कर लो, मिरर फॉर्मूला और इन सबको यूज़ करके कर लो, लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट मेथड से करेंगे. तो एनटीएससी पर्पस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर. अच्छा, इसके साथ मैंने कुछ और फॉर्मूला भी आपको बताए थे. एक हमारे पास क्या था भाई? एम एफ और वी के बीच में रिलेशन निकाला था हमने कि अगर हमारे पास 1 बाय एफ, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी और एम क्या है? माइनस वी बाई यू. अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूं बाय यू, मल्टीप्लाई बाय कर दूं यू, तो क्या हो जाएगा? यू बाय एफ 1 प्लस यू बाय. क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया? यू एफ और वन प्लस. पर ये क्या निकल कर आ जाता? हमारे पास एम की वैल्यू होती अगर वी बाई यू क्या हो जाता? इस तरीके से. तो ये यू बाई वी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू बाई एफ. इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? यू बाई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एम. ठीक है, हमें एम का फॉर्मूला निकालना है. तो हमने यू बाई एफ इज इक्वल टू क्या किया? एलसीएम एम. ये बन गया 1 माइनस में एम, एम माइनस में 1. ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ एम के टर्म्स में निकालना है. मल्टीप्लाई कर दो यू एफ, सॉरी यू एम, यू एम. और इधर हम करेंगे तो एफ एम माइनस में एफ. इसको इधर ले आओ. यू एम माइनस में एफ एम इज इक्वल टू माइनस एफ. तो क्या निकल कर आ गया मेरा? एफ एम माइनस में यू एम इज इक्वल टू एफ. एम कॉमन ले लो. एफ माइनस में यू इज इक्वल टू एफ. एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ माइनस में यू. तो हमारे पास क्या निकल कर आई फॉर्मूले से? देखो किस तरीके से करना है. सिंपल है. 1 बाई एफ है, 1 बाई यू है, प्लस 1 बाई वी है. अभी हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया है एम इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस में यू. ठीक है, एम इज इक्वल टू एफ, एफ माइनस में यू. अगर इसको आप देखोगे तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय यू. यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यू और एम के बीच में रिलेशन मिलेगा. मल्टीप्लाई बाय वी करोगे तो आपको वी और एम के बीच में रिलेशन मिलेगा. तो यह हो गया सिंपली यू बाय एफ, यू बाय यू प्लस यू बाय वी. ठीक है,
u by f is equal to 1 प्लस में u by v, 1 को उधर ले जाओ चाहे, u by f minus 1 u by v, पॉइंट क्लियर है, u minus f upon में f is equal to u by v, बट हमें क्या चाहिए, minus v by u, पहले तो मैं इसका उल्टा कर देती हूँ, उल्टा करने से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इसका अगर मैं उल्टा करती हूँ तो v by u, यानी f u minus f v by u, लेकिन v by u किसके इक्वल आता था, minus m के इक्वल, इस नेगेटिव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा f minus में u, तो ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आ चुका है m और f का। आप डायरेक्ट इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लो कि मिरर के केस में m f और u के बीच में जो रिलेशन आता है वो फॉर्मूला ये होता है, m इज इक्वल टू f f माइनस में u डिवाइडेड बाय f माइनस में u। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर, u की वैल्यू आपको क्या दे दी भाई, माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है, द मैग्निफिकेशन इज m1, मैग्निफिकेशन इज m1, कोई भी मिरर होगा, कोई भी मिरर होगा या कोई भी लेंस होगा, हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं u, v और f। आपने ये चीज़ देखी है, इन तीनों वेरिएबल में जब भी सॉल्व करते हैं एक चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट कौन रहेगी, फोकल लेंथ। अगर मैंने एक बार मिरर चूज कर लिया तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर मैंने कोई लेंस चूज कर लिया तो उस लेंस की भी फोकल लेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो मिरर है या लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हम यहाँ पर हमने एफ हमारा क्या है, फिक्स है, लेकिन यू के अकॉर्डिंग वी चेंज होता रहता है, लेकिन एफ हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर द मैग्निफिकेशन इज m1 और उसकी फोकल लेंथ क्या मान ली मैंने, एफ। द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, अब ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करवाया, ये एक मिरर मान लिया जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाया, मूव इधर भी हो सकता है और मूव इधर भी हो सकता है, क्लियर पॉइंट, 15 सेंटीमीटर फर्दर अवे विद रिस्पेक्ट टू इट्स अर्लियर पोजिशन। इस लाइन को ध्यान से देखो कि 15 सेंटीमीटर वो इस पोजीशन से, उसकी अर्लियर पोजीशन क्या कहा थी, यहाँ थी, इससे वो 15 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, तो इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, इधर, टू आर्स होता तो जाता इधर, लेकिन अब कहाँ जा रहा है, इधर। नाउ उसकी पोजीशन ये थी पहले 25 और ये होगी 15, तो अब यू कितना निकल कर आ गया भाई, 40, यू कितना निकल कर आ गया, 40। तो इस केस में हमने देखा कि u हमारे पास माइनस 40 सेंटीमीटर है और उसका मैग्निफिकेशन हो गया m2, लेकिन फोकल लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आपको बता रखा है, ओके। नाउ हमारे पास देखेंगे इसको ध्यान से कि u हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो तो m1 हमारे पास आ जाएगी f प्लस में 25, m2 हमारे पास आ जाएगी f प्लस में 40, m1 इज इक्वल टू f प्लस में 25, साइन कन्वेंशन के साथ ले लिया, m2 ही दे दिया। नाउ हमारे पास बोल रखा है इफ m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू 4, आपको क्या गिवन है भाई, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू 4, तो फाइंड f की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास गिवन है, पॉइंट क्लियर, आपको m1 की जगह इसको रखेंगे हम, f अपॉन में f प्लस में 25, m2 की जगह f प्लस में 40 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4, तो इसको करो f प्लस में 25 इंटू f प्लस में 40 बाय 5 इज इक्वल टू, एफ से एफ कैंसिल, तो हमारे पास लास्ट क्या निकल कर आते हैं, मैं इनको रब कर देती हूँ, आपको फॉर्मूले अच्छे से यूज आ गए होंगे सारे किस तरीके से यूज करना है,
और आपको याद भी होंगे, ठीक है? नहीं है तो एक पेज पे लिख लो और देन सॉल्व करो। एफ प्लस में 40, एफ प्लस में 25 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एफ प्लस में 40, 4F प्लस में 100, क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास कितनी निकल कर आएगी भाई, 4F माइनस में F, 40 माइनस में 100, तो कितनी निकल कर आई, 3F माइनस में 60, F की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। F नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मिरर हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर। तो ध्यान से देखो कि हमारे पास एक मिरर दे रखा था, हमें मिरर का नेचर नहीं बता रखा था कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, सिर्फ आपको ये दे रखा था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखती हूँ तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, M1, और अगर मैं उसको 15 सेंटीमीटर उसकी अर्लियर पोजिशन से दूर लेकर जाती हूँ तो नाउ मैग्निफिकेशन बिकम्स M2। तो इट मीन्स M1 और M2 में आपको क्या दे दिया है, एक रिलेशन दे दिया है, और वो क्या दिया था, 4, और आपको निकालनी क्या थी, F। तो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट, हमें फॉर्मूला पता है कि M और F और U के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि ये होता है, इसका यूज़ करके मैंने M1 निकाल दिया, देन मैंने M2 निकाल दिया, M1 बाय M2 किया, M1 की वैल्यू पुट कर दी, M2 की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से मैंने निकाल दिया फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आई है। दैट मीन्स ये क्या शो कर रही है कि मिरर का नेचर क्या है, कनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना आता है, मतलब अगर आप सीख गए कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या गिवन है और उस गिवन से हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन को एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती जाए उसको मैथमेटिकली लिखते जाओ और उसके बाद फाइंड आउट करो कि आपको निकालना क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है, और उनके बीच में रिलेशन ढूंढो कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही ये इजी सा, यही एक आपका मेथड है। अगर आपने ये चीज़ें ढूंढ ली कि मुझे निकालना क्या है और इसमें फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, बस सॉल्व हो जाएगा इजीली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट के साथ समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए थिन रोड ऑफ लेंथ एफ बाय 3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ सच डैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड मतलब बड़ी हुई है, जस्ट टच द रोड, कैलकुलेट M। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रखा है कि थिन रोड है जिसकी लेंथ क्या है, एफ बाई 3। तो हमने एक रोड ये मान ली और इस रोड की हमारे पास लेंथ कितनी दे दी, एफ बाई 3। इस प्लेस अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग उसको रखा गया है ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये मैंने मान लिया एफ, ये मान लिया मैंने सी। अब ध्यान से देखो कि इसको ऑप्टिकल एक्सिस पे रखा गया है,
लेकिन हमें ये नहीं पता अभी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई है कि उसको कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा है कि बिटवीन सी एंड एफ रखा है, एट सी रखा है, एफ रखा है, कहाँ रखा है, उसकी पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ से हो जाएगी सच डैट, ये तो थी उसकी लेंथ, सच डैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, सच डैट उसकी इमेज क्या है भाई, रियल एंड इलोंगेटेड। इलोंगेटेड यानी कि बड़ी हुई, जैसे मैं बताऊं अगर मैंने सी के बाद कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो क्या बनकर आएगी, छोटी बनकर आएगी। अगर सी के ऊपर रखी है तो वो क्या बनकर आएगी, सेम। लेकिन अगर सी और एफ के बीच रखी है तो वो बियॉन्ड सी बनेगी लेकिन बड़ी इलोंगेटेड बनेगी। अगर एफ पे रखी है तो वो तो पैरेलल हो जाएगी, उसको तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर एफ और पी के बीच में रखोगे तो वो क्या आ जाएगी, वर्चुअल। तो एफ और पी वाला तो केस हो गया खत्म, ठीक है, एफ वाला केस भी हो गया खत्म। सी पे होता तो इलोंगेटेड नहीं होती क्योंकि साइज क्या रहता, सेम। सी पे अगर होती तो हमारे पास साइज क्या रहता, सेम रहता। तो ये तो होने से रहा, तो हम अगर बियॉन्ड सी लेंगे तो रियल तो हो जाएगी लेकिन इलोंगेटेड नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मुझे करना हो कि मुझे इलोंगेटेड भी चाहिए और मुझे रियल भी चाहिए, तो मतलब मैंने कह रखा है बिटवीन सी एंड एफ। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके बाद बोला है जस्ट टच दी रोड, रोड जो इमेज है वो रोड को टच भी करती है। तो अगर मैंने यहाँ पर रखा, मैंने कहा रखा यहाँ पे, तो उसकी जो इमेज बनकर आएगी वो क्या करेगी, रोड को टच करेगी। तो रोड का जो एक एंड है वो तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहाँ पर रखा है, सी पे, ताकि जो इमेज है वो रोड को क्या करे, टच कर सके, क्लियर है। दूसरा जो एंड है वो मैंने रखा है यहाँ पे, ताकि जो इमेज है वो क्या बने भाई, इलोंगेटेड बने। जो इमेज है वो क्या बने, इलोंगेटेड बने, ज़्यादा साइज की बने। तो ये तो हमारे पास क्या था, एफ बाय थ्री, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाय यू। तो अगर मुझे यू फाइंड आउट कर लेती हूँ और अगर वी फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मैं इजीली क्या निकाल सकती हूँ, एम की वैल्यू को निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका एफ बाय थ्री है, ठीक है, ये फोकल लेंथ दे रखा है। तो यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी यू इस पॉइंट पर हो जाएगी सी, यानी 2f के इक्वल, और वी भी इसके इक्वल क्या हो जाएगी, 2f। तो यहाँ तो सेम साइज है, यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम किस पे निकालेंगे, यहाँ पर। ये आपका क्या हो जाएगा, u, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, v। और अगर u और v फाइंड आउट कर लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, m फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, u आप निकालो, u कितना हो जाएगा, 2f माइनस में f बाई थ्री, कितना निकल कर आ गया, 5f बाई थ्री, और u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5f बाई थ्री, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव। अब हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, तो 1 बाई एफ, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस में 1 बाई यू, क्लियर है। तो यहाँ से निकालते हैं 1 बाई वी, एफ भी क्या हमारे पास नेगेटिव है और ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम आपका हो जाएगा 1 बाय वी, एलसीएम हो गया 5f माइनस 5 प्लस में 3। तो हमारे पास v कितनी निकल कर आएगी, 5f माइनस में 2। आपकी v निकल कर आ चुकी है माइनस 5f बाय 2, और आपकी u कितनी निकल कर आ चुकी है, माइनस 5f बाय 3। दोनों की v और u की वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, m में पुट कर देते हैं। m की वैल्यू हो जाएगी माइनस v माइनस 5f बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5f बाय 3, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, माइनस f बाय 2, 3f कैंसिल, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.5।
तो आपकी मैग्नीफिकेशन निकल कर आ चुकी है भाई, और वो मैग्नीफिकेशन कितनी है 1.5। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो लेंथ जो रोड है वो एफ बाई थ्री है, इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी बड़ी हुई है और रियल है, जस्ट टच द रोड, रोड को वो क्या करती है टच कर देती है। तो यानी एक एंड कहाँ पर रखा हुआ है, सी के ऊपर रखा हुआ है, और आपको क्या निकालना है, एम निकालना है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक ऐसा इक्वेशन आपको दे रखा है, मैं उसकी स्टेटमेंट बोलती भी जाती हूँ और उसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल। दो प्लेन मिरर है, कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है थीटा। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ देम, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है इस तरीके से किसी भी एक के ऊपर, ये मान लिया M1 और ये मान लिया M2 एट एन एंगल 30। तो आपको पता है 30 के साथ जाएगी तो 30 एंगल बनाकर ही वो रिफ्लेक्ट होगी, और किसके ऊपर गिरी, M2 के ऊपर। द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन द सेकेंड मिरर के ऊपर गिर चुकी है एंड फाइनली गेट रिवर्स्ड। अच्छा, इसके ऊपर गिरने के बाद वो वापस रिवर्स हो जाती है, इसके ऊपर गिरने के बाद वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। फाइंड एंगल बिटवीन ये, आपको ये पता है कि लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो रिवर्स क्यों होती है, जब वो कैसे फॉल करे, नॉर्मली फॉल करे। तो जब नॉर्मली फॉल करती है तो इन दिस केस ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये हो गया 60 डिग्री, और थीटा आप इजीली निकाल सकते हो, थीटा प्लस में 90 प्लस में 60 इज इक्वल टू 180। तो थीटा 180 माइनस में 150, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो इस टाइप से हमारे पास ये 4 to 5 न्यूमेरिकल हो गए हैं। इसके बाद मैं करवाने वाली हूँ लेंस के न्यूमेरिकल, ठीक है, कि लेंस के न्यूमेरिकल किस तरीके से करेंगे।